33 साल तालिब इल्मी का खुलासा। तो शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी मैंने सबसे पहले ये सीखा, मैंने लोगों को देखा वो किसी न किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी इंसान से मोहब्बत करता है, कोई माल और दौलत से मोहब्बत करता है, कोई किस से मोहब्बत करता है। और फिर मैंने गौर किया, ये जिन जिन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं ये तो एक दिन छूटने वाली है, इंसान से मोहब्बत करे तो एक दिन ख़त्म, माल और दौलत से, ओहदे से, घर से, गाड़ी से, जिससे मोहब्बत करते हैं इनका महबूब एक न एक दिन छूट जाता है। तो फिर मैंने आमाल से मोहब्बत की, वो मेरे साथ दुनिया में भी साथ, कब्र में भी साथ, हशर में भी साथ रहेंगे। इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, आपने फरमाया यत्तबिउल मैयत सलासतुन, मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, यरजू इस्नानी, दो लौट कर आती हैं और एक बाकी रह जाता है। इसके साथ उसका माल भी जाता है, अहल भी जाता है, कब्र के बाद मिट्टी झाड़ कर सब वापस आ गए, अमल उसके साथ कब्र में मौजूद होता है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को समझाते फरमाया, एक आदमी के तीन भाई हो, एक ये कह दे, वो भी बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ रिवायत, एक ये कह दे मेरा तुम्हारा बस साथ उस वक्त तक है जबकि तुम्हारा सांस की डोरी बाकी, इसके बाद मैं फ़ौरन किसी और के पास चला जाऊँगा, दूसरा कहेगा मरने के बाद तुझे कब्र तक लेके जाऊँगा, दफन कर दूँगा, उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तीसरा कहे मैं तुम्हारे साथ कब्र में भी और हशर में भी जब तक जन्नत में दाखिल नहीं करूँ उस वक्त तक साथ होऊंगा, बताओ इन भाइयों में से कौन अच्छा है। मैंने रिवायत बहुत मुख्तसर की है, जिन हजरात ने पहले सुनी है इसलिए बेहद मुख्तसर, फरमाया कि इंसान का माल ऐसा है इधर से सांस निकल गया ये औलाद वरसा की तरह मुंतकिल हो गया, घर वाले भाई बहन अजीज़ वो रिश्तेदार कब्र तक जाते हैं दफन कर लेते हैं इसके बाद वापस आ गए, वो अमल हमेशा के लिए बाकी रहता है, ये वही भाई है। तो सहाबा कराम ने कहा वही भाई काम आने वाला है। तो यहाँ भी हातिम असम कहते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने गौर किया तो जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उनका महबूब एक न एक दिन छूट जाता है, चाहे वो ओहदा है कुछ भी है। तो मैंने आमाल से मोहब्बत की, वो दुनिया के बाद कब्र में भी हशर में भी तराजू आमाल भी मेरे साथ रहेंगे। दूसरा फरमाया कि मैंने गौर किया तो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जो इंसान की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ होती है, उसको बहुत ज़्यादा एहतमाम से छुपा कर रखता है, बचा कर रखता है, महफूज रखता है। मिसाल के तौर पर हम अपनी जान को सबसे ज़्यादा अगर कीमती समझते हैं तो अपने बाकी तमाम चीज़ें कुर्बान कर देते हैं ताकि जान बच जाए। तो कोई आदमी किसी से जिससे मोहब्बत रखे, चाहे वो उसके घर हो, चाहे उसका जो है सवारी हो, चाहे कुछ भी हो, इज़्ज़त हो, तो उसको महफूज रखने की कोशिश करता है, माल और दौलत को, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ को सबसे ज़्यादा महफूज जगह पर रखता है। तो फिर मैंने कुरान मजीद पर गौर किया तो कुरान की एक आयत मेरे सामने आ गई, मा इंदकुम यनफत व मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब ख़त्म होने वाला है, जो अल्लाह के पास चला गया वो महफूज हो गया, इसलिए मुझे जो भी मेरी अच्छी चीज़ मेरे पसंद की चीज़ आ गई मैंने उसको आगे चलता कर दिया, अल्लाह के पास भेज दिया ताकि वो महफूज रहे। इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, यूँ समझाया, घर में कुछ बकरी ज़बह हो गई थी और आप मस्जिद तशरीफ़ ले गए, कुछ देर के बाद वापस आ गए तो अम्मा जी से पूछा उस बकरी के गोश्त में से कुछ बाकी है, या रसूलल्लाह फ़लाँ चीज़ बाकी है, बकिया सब का सब ख़त्म हो गया, बकिया सब ख़त्म हो गया, फ़लाँ चीज़ बाकी है, फरमाया कि बकिया सारा महफूज है, ये जो है ख़त्म हो, जो तुमने अल्लाह के नाम पर दे दिया वो महफूज हो गया और ये घर में पड़ा हुआ है वो महफूज नहीं रहा। तो मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसने आज नहीं तो कल ख़त्म होना है, अल्लाह के पास जो चीज़ चली जाए वो बाकी रहने वाली है, तो
तो मैंने अपनी हर पसंद की चीज़ अल्लाह के पास भेज दी। कहा उस्ताद जी मैंने ये दूसरा मसला सीखा। तीसरा मसला क्या सीखा है कि मैंने देखा कि लोग इज्जत की तलाश के में मारे मारे फिरते हैं। कोई माल और दौलत में इज्जत समझता है, कोई तिजारत में इज्जत समझता है, कोई ओहदे में इज्जत समझता है, कोई फ़ख्र करता है अपने हसब नसब पर, कोई किस पर फ़ख्र करता है, कोई किस पर इज्जत तलाश करता है। मैंने कुरान मजीद की आयात में गौर किया तो कुरान ने कह दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे ज़्यादा मुआज़्ज़ज़ अल्लाह के हाँ वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है। फरमाया मैंने तकवे को अपना ओढ़ना बिछोना बना दिया, बस बाकी सब को मैंने तीन दलाकें दे दी, क्या माल, क्या तिजारत, क्या फलां, क्या ओहदा, क्या फलां हसब नसब, ये सब ख़त्म होने वाली चीज़ें और इनमें कोई नहीं। अगर इज्जत है तो तकवा में है, तो मैंने तकवा को अपना ओढ़ना बिछोना बना दिया। चौथा मसला क्या है, फरमाया मैंने देखा दुनिया में लोग दूसरों से हसद करते हैं, इसकी गाड़ी अच्छी क्यों, उसका मकान अच्छा क्यों, उसके लिबास अच्छा क्यों मुझसे, और उसका जो है कारोबार मुझसे ज़्यादा अच्छा क्यों चलता है। दूसरों पर इस बुनियाद पर हसद में लगे हुए हैं और हसद की आग में जले जा रहे हैं। उसी हसद की वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो ताने बाने बुनते रहते। मैंने कुरान में गौर किया, कुरान की एक आयत मेरे सामने आ गई। अल्लाह फरमाते हैं नहनु कसमना मईशतहुम फिल हयात दुनिया व रफअना बाज़हुम फौक बाज़िन दरजात लियत्तखिज़ बाज़हुम बाज़न सुखरिया व रहमतु रब्बिका खैरु मिम्मा यजमऊन। तो कुरान कहता है कि ये तो रिज़्क़ की तकसीम मैंने की है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, मईशत की तकसीम ये तो मैंने की है, जिसको चाहा थोड़ा दे दिया, जिसको चाहा ज़्यादा दे दिया, ये मेरी मर्ज़ी है। और किसी को कमज़ोर, किसी को ताकतवर, किसी को मालदार, किसी को गरीब, ताकि एक दूसरे से काम लेते रहें। अगर सारे के सारे मालदार बन जाएं, सब करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएं, सब के पास सब कुछ मौजूद हो, बताओ हमारे बाथरूम कौन साम करे, तो जमदार ये कूड़ा उठाने वालों का जो है ये सलाम है वो अगर काम करे। अगर सारे के सारे जो है यूं बड़े बड़े सदर बन जाएं, सारे वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, सारे जर्नेल मर्नेल बन जाएं, तो फिर कौन हमारा बाथरूम साफ करे, कौन हमारे ये काम करे। तो हमने एक को दूसरे का मोहताज बन, बड़ा से बड़ा भी है ना एक लुकमे के लिए हज़ारों का मोहताज है, खुद अकेला एक लुकमा नहीं ले सकता। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तकसीम किया है। तो मैंने कहा कि अल्लाह ने तकसीम की है तो हसद किस बात का, मैं अल्लाह की रजीना किस्मत अलजब्बारफीना, अल्लाह की तकसीम पर मैं राजी हूँ, इसलिए मैंने लोगों से तलाक ताल्लुकात हसद बोस और लोगों के साथ ये अंदर चिढ़ जाना ये सब कुछ तर्क कर दिया। ये चौथा मसला हो गया।